ए संध्या, ये अपनी ही बिरादरी की है। बच्चा चोर, क्या बोल रहे हैं तू? पुलिस वाला तो कुछ और ही बोल रहा था। ओ पालना, किरगिट, सर्किट, पता नहीं क्या क्या। अरे तू कहाँ शब्दों के हेर फेर में पड़ रही है। तुझे पता है शानी ने बच्चे के लिए बहुत साजिश की, किसी की धुलाई भी करवा दी। सुनना, इसको पूछते हैं अपने गैंग में आएगी क्या। ये बाहर जाएगी तो अपना धंधा बढ़ाएगी, देखने में तो पढ़ी लिखी लग रही है। और हरकतों से चालू भी सही है। मैं अंजना और ये संध्या। लगती तो बड़ी भोली है तू, एकदम घरेलू टाइप, लेकिन कारना में खतरनाक है। हाँ। आप लोग दूर रहिए मुझसे, मैं आप लोगों जैसी नहीं। है तो तू हमारे जैसी ही। ये बात तुझे बाहर जाके साफ पता चल जाएगी। तुझसे कोई बात बात भी नहीं करेगा, ना ही कोई काम देगा। इसलिए कह रहे हैं हम, रह जा हमारे साथ। कौन है, दूर हो मुझसे। ज्यादा हीरोइन बन रही है, शरीफ बनने का नाटक कर रही है। बच्चा चोर है तू, काय कर ले। जास्ता बोमा बम लगा करूं, नहीं तो ना सबको बराबर करेगी मैं। थोड़ा पीछे जाके बैठो, चलो। May I come in, sir? Jain, sir. Virat, मुझे इंस्पेक्टर हिना ने बताया कि उन्होंने आपके घर के सदस्य पथलेखा को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल में जाकर जांच की, जहां पे आप और आपकी पत्नी सरोगेसी करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर को जांच में यह पता चला कि जिनके साथ वो सरोगेसी की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो उनके साथ ना होके किसी और के साथ हो। पत्रलेखा अवैध तरीके से आपकी सरोगेट बन गई, और हैरानी की बात यह है कि आप वहां पे मौजूद थे। जी सर, उस वक्त मैं वहां मौजूद था। आपने वो प्रक्रिया रोकी नहीं? सर, उस वक्त मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो प्रक्रिया होना बहुत जरूरी था। सर, मैं अपने होने वाले बच्चे को पाने की आखिरी उम्मीद खो नहीं सकता था। सर, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था जब ये बात हो रही थी। तुमने इसकी सूचना बाद में अधिकारियों को दिए? नहीं सर। मैं तुमसे और तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत निराश हूं विराट। कमाल, तुम अपनी भावनाओं में इतना खो गए कि एज ए पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसे निभाना भी भूल गए। पर तुम्हारी इस लापरवाही के कारण यहाँ एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है, एक पूछताछ होगी, जहां पे उस घटना के बारे में तुम्हें हर चीज बतानी होगी। और जब तक वो पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने कर्तव्यों से निलंबित किया जाता है। जब तक आप सस्पेंडेड रहेंगे, तब तक आप ये वर्दी नहीं पहन सकते। और हाँ, आपको अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी डिपार्टमेंट को सौंपनी होगी।
और तूने किस चीज की उम्मीद की थी पाखी? देख तू कहां पहुंच गई, क्या बन गई है तू? दो मुजरिम तुझे अपने जैसा समझ रहे? नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं। मैंने जो किया विराट के लिए किया। नहीं, तूने ये सब अपने लिए किया था। तूने हमेशा से एक ही चीज करने की कोशिश की, विराट को सही से दूर रखने की, उसे छीनने की कोशिश। और अब तूने उसे उसका बच्चा भी छीनना चाहा? तू भूल गई तेरी आई ने तुझे कितनी बार ये सब करने से रोका था? और अपने दिल में तू खुद भी ये बात जानती थी कि तू जो कर रही है गलत कर रही है, लेकिन फिर भी तू रुकी नहीं। तूने हमेशा कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश की है ना, और अब तू देख तेरी इन हरकतों ने तुझे कहां पहुंचा दिया। एक मुजरिम बन के रह गई है तू, और अब तेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? मैंने एक माँ से उसके बच्चे को जीतने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसके पति का साथ उसका ध्यान चाहती थी। मेरे कर्मों ने मुझे मुजरिम बना दिया। क्या किया मैंने? मैं विराट को पाने के चक्कर में सही गलत का फर्क ही भूल गई। पाखी, पाखी, पाखी बेटा, पाखी, पाखी, तू ठीक है ना? घबराना नहीं, तुझे जल्दी यहां से बाहर निकालेंगे। हम लोग तेरी बेल की बात कर रहे हैं, तेरे बाबा वकील के पास गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे कितना समझाया था ना बेटा कि तू जो कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सही को जब सच पता चलेगा वो नहीं छोड़ेगी कुछ। तूने मेरी एक नहीं सुनी, तू कहाँ पहुंच गई? अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बारे में सोचा। मुझे अंदाजा भी है तुझे सलाखों के पीछे देख के हमारा क्या हाल हो रहा है। ले जा पटने को आराम। मैं सही से बात करूं, उसके आगे हाथ पैर जोड़ूंगी, चोरी फैलाऊंगी, एक केस वापस ले। नहीं आई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं एक मुजरिम हूं, आप मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। मैं सही की वजह से, अपने गुनाहों अपने कर्मों की वजह से आई, और आप प्लीज मेरी बेल मत करवाइए। मुझे सड़ने दीजिए यही इसी जेल में, ताकि मुझे एहसास हो कि विराट को पाने की जिद में मैं एक सीधी सादी लड़की से अपराधी बन गई हूं। देख रही है, अभी भी इसकी नाटकबाजी बंद नहीं हुई है। 420 में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। सही कह रही है तू, ऐसे ही नाटक करके इसने दूसरी औरत का बच्चा अपने पेट में ले लिया होगा। ए, बंद करो ये बकवास, खबरदार मेरी बेटी को परेशान किया। ए महारानी एलिजाबेथ, ये कोई तेरा राजमहल नहीं है और हम लोग तेरी दासी नहीं है जो हम लोगों को ऐसे ऑर्डर दे रही है। अबे ओ देवी जी, हमारी भी बेटी इसी हवालात में है, तो इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। सच्ची तो कह रही है दोनों, जो जल मैंने बनाया था मैं खुद ही उसमें फंस गई। तुम्हें सच में लग रहा है कि गलती तुम्हारी थी बाकी? मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना आई, आज जब मुझे सच में पछतावा हो रहा है तो मेरी आई को लग रहा है कि मैं नाटक कर रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तूने अगर
मेरी बात सुन के वो सब नहीं किया होता ना तो शैलेश। हाँ शैलेश, क्या वकील ने कहा? शैलेश कोई रास्ता तो होगा। अच्छा ठीक है, बताना मुझे। वकील ने तेरा केस लेने से मना कर दिया बेटा, कह रहे हैं बहुत पेचीदा केस है, एसीपी की बीवी ने केस किया तो कोई चांस नहीं है। ठीक है तो आई अपने अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद ही इन सलाखों से बाहर आऊंगी। तू हिम्मत मत हार पाके, मैं कुछ भी करके तुझे यहां से बाहर निकलवाऊंगी। तेरे बाबा और मैं कोशिश कर रहे हैं ना बेटा।